चाहिए जीत नहीं होनी चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए, प्यार और मोहब्बत होना चाहिए। और इसलिए मैं शबीर साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपके तरफ से इतने शानदार एक इस्तकबाल हुआ है। बेस्ट, हम तो कोई सरकारी वफद नहीं है, हम वो लोग हैं जो कश्मीरियों को चाहते हैं, और इसलिए हम आए हैं आपसे जानने के लिए कि सूरत हाल क्या है और इसका हल निकालने के लिए कौन सा रास्ता है। उसके बाद हमारे हाथ में बस एक अस्त्र है, कलम, तो हम लिखेंगे। जो कि नायर साहब की क़यादत में, कप्तान की क़यादत में, अपनी शाह साहब की क़यादत में, हमारे जो बुज़ुर्ग हमें यहाँ आए हमारे गरीब खाने पे, तो हमने अपनी बात इनके सामने रखी है किस तरीके से हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, जातियाँ हो रही हैं, तो सबके दुनिया के सामने पीस लविंग बरसगीर में तब तक अमन कायम दायम नहीं हो सकता है, दायमी अमन जब तक कश्मीर इशू को एड्रेस न किया जाए। और जो एट्रॉसिटी और जो यहाँ गिरफ्तारियाँ बच्चों की हो रही हैं, पैलेट्स का इस्तेमाल हो रहा है, गोलियों का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये कहाँ का इंसाफ है? आप लोगों ने एक जलियांवाला बाग देखा है, हमने बहुत सारे देखे हैं, हम इस मसले का हल चाहते हैं, हम हिंदुस्तान के लोगों के साथ हमें प्यार है, मोहब्बत है, पाकिस्तान के लोगों के साथ आपकी हमारी वजह से दूरियां हैं, तल्खियां हैं, हम चाहते हैं ये तल्खियां और दूरियां ख़त्म हो जाए और दोनों मुल्कों में भी दोस्ती बने, लेकिन वो तभी बन सकती है जब कश्मीर इशू को एड्रेस किया जाए। इसमें दो ही तरीके हैं, या रिजल्ट ओरिएंटेड मीनिंगफुल डायलॉग जिसको ट्राइपार्टाइट टॉक्स कहते हैं, या रेफरेंडम करवा दीजिए। अगर आज की सरकार कह रही है इनके साथ लोग हैं नहीं, 4.5% लोग भी नहीं हैं, तो रेफरेंडम करवाए, जो भी लोगों का फैसला आ जाएगा वो हमें कबूल। हम कान के साथ यहाँ पहुँचे हैं, जीप के साथ नहीं, सुनने आए हैं और सबकी बात सुनने के बाद जो हम अपने आप कहना चाहते हैं हमारे पब्लिक को अपने कलम के जरिए, वो हम जरूर कहेंगे। और न भूलिए कि हम केवल मीरवाइज साहब और शबीर शाह साहब और गिलानी साहब से मिल रहे हैं, हम तो आज शाम को महबूबा जी से मिल रहे हैं, आज 12 बजे हमारी मुलाकात हुई गवर्नर साहब से, तो हम सभी से बात कर रहे हैं ये जानने के लिए, ये पता करवाने के लिए कि जो अलग अलग चीज ये सब बोल रहे हैं, इनमें कोई ऐसे बिंदु हैं क्या जिसके आधार पर मामला आगे ले जा सके। जब यशवंत जी आए, किसी ने नहीं कहा कि आए, ये तो इनका काम है, खासतौर पर हमारे दोस्त यहाँ जो खड़े हैं, इनका काम है, अब इनके गले फट रहे हैं मुझको गद्दार कहकर, फटने दीजिए मुझको। कोई मैं कश्मीरियों से कहता हूँ कि जैसा शब्बीर ने कहा कि उनके दिल में भारत भारतीयों की तरफ मोहब्बत ही है, प्यार ही है, मेरे दिल में भी और हम सबके दिल में भी कश्मीरियों को हम अपना समझते हैं। हम समझते हैं कि भारत कश्मीर पर कब्जा नहीं कर सकता जब तक कि कश्मीरियों को वो अपने दिल से न जोड़े, और कि इसलिए कश्मीर के हित में और भारतवर्ष के हित में हम यहाँ आए हैं, और उम्मीद हम रखते हैं कि छोटा छोटा बहुत हमारा कुछ योगदान।